और महागठबंधन को मिले प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि आपस में मिलकर सभी पद तय हो जाएंगे। राजभवन के आमंत्रण के साथ ही सरकार गठन का प्रारूप तय हो जाएगा। उनसे बात की संवाददाता ऋषिकेश ने। महागठबंधन की कामयाबी में कांग्रेस के कैप्टन रहे आरपीएन सिंह ने महागठबंधन को जीत का सेहरा बांधा है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, हमारे साथ खुद मौजूद है। जब आप कह रहे थे कि बीजेपी मिशन 65 पार के मुकाबले 25 पार नहीं करेगी, आज नतीजे आपके सामने आए, आपको क्यों, कितना भरोसा था, क्या रघुवर दास की नाकामी पर या बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस पर या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर? देखिए, साफ तौर से मैंने जो किया घमंड में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नारे देते हैं उस पर नहीं, जो जमीनी हकीकत है, इसलिए मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 नहीं पार करेगी। अफसोस की बात है कि 5 साल में जो सरकार सत्ता में रही, जमीनी हकीकत नहीं जान पाई। मैं बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और साफ तौर पे मैंने देखा कि बीजेपी 25 पार नहीं कर पा रही है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी की स्ट्रेटजी और मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, भुखमरी समाप्त नहीं होती है, छोटे दुकानदारों का व्यापार नहीं बढ़ता है। ये जो मुद्दे थे सिर्फ भाषण से नहीं चलेंगे। जिस तरह मंदी इस देश में इस देश को खा रही है, सिर्फ भाषण से देश नहीं चलेगा। सर, जब आप लोग कैंपेन कर रहे थे तो अक्सर आप लोगों ने कई जगहों पे कहा कि हम 36वां मॉडल को यहाँ लागू करेंगे, चाहे किसानों का MSP हो या फिर घर घर नौकरी देने की बात आप लोगों ने की है, क्योंकि मैनिफेस्टो आप लोग और आपने छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो अगले 24 घंटे में आपने पहला काम किया किसानों का कर्ज माफ करके। अब आप घर घर को नौकरी देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या ये जब आपका सरकार बन जाएगी वोट ले लेगा तो ये काम पहले 24 घंटे में? देखिए, हम यहाँ गठबंधन की सरकार है, हमारी जो जो बातें भारतीय की जो हमने इलेक्शन में कही, हम अपने गठबंधन के नेताओं से एवं सुरेन जी से उनको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास और लड़ाई लड़ते रहे। चूंकि सर अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनी, कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आप लोगों का मैनिफेस्टो अलग था, मैनिफेस्टो अलग। मैंने आपको कहा गठबंधन के लिए आप हमेशा कहते थे, इस पे भी जब पूरी चर्चा हो जाएगी तो पूरी जानकारी आपको उचित समय पे और उचित समय पे तो पूरा खुलासा करके मैंने गठबंधन का भी दिया था इसके बारे में। आप लोगों से मुलाकात कर ली, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, अब लोग पूछ रहे हैं कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कब हुआ, क्या नए साल में होगा? उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मजबूरियां होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है, तभी तो महामहिम हमको शपथ के लिए बुलाएंगे या बुलाएंगी। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को हमें फुलफिल पहले करने दीजिए और जब महामहिम हमको समय देंगी, शपथ ग्रहण का समय भी हम आपको बताएंगे। कोई किचकिच नहीं होगा और सरकार का फॉर्मूला आसानी से तय हो जाएगा, सही वक्त और सही मौके का इंतजार कीजिए। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 11 रांची।